हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमिला और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूं गोभी के पकोड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए है 400 ग्राम गोभी। इस गोभी को मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट किया है और 2-3 बार अच्छे से पानी पे धोकर इसको साफ कर लिया है। और अब हम इसको थोड़े देर गर्म पानी में भी पकाएंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे रख रही हूँ गैस पर गर्म पानी करने के लिए। मैंने एक पतीली ली है और उसमें मैं डाल रही हूँ पानी। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। अब मैं इस पानी में डालूंगी जो मैंने गोभी कट की हुई है। इससे क्या होता है कि एक तो गोभी थोड़ा नरम भी हो जाती है पकौड़े के लिए, और दूसरी अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ है, कोई गंदगी है गोभी में, तो वो भी नमक के पानी में अच्छे से साफ हो जाती है। उबलते हुए पानी में हम गोभी को सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही पकाएंगे। हमें गोभी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ उसे हल्का सा मुलायम करना है। तो बस हमने गोभी को बस थोड़ा सा ही इसमें पका लिया है और अब हम गोभी को पानी से निकाल लेंगे। गोभी को हमने पानी में से निकाल लिया है और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे। और तब तक इसके लिए बेसन का घोल तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है ये छोटा वाला जो कप होता है, इससे 2.5 कप बेसन। 2.5 कप बेसन के साथ मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चावल का आटा। थोड़ा सी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला और आधी चम्मच से थोड़ा कम काली मिर्च का पाउडर। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा हरा धनिया जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। एकदम एक बार में ही हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, उससे बेसन में गुठलियाँ बन जाती हैं और फिर उसे हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे। और दूसरा ये भी है कि अगर हमने एक ही बार में ज़्यादा पानी डाल दिया तो हो सकता है कि बेसन भी ज़्यादा गीला हो जाए, तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बेसन का एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। जैसा हम पकौड़े के लिए बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही घोल बनाएंगे। इस घोल में कोशिश करें कि गुठलियाँ बिल्कुल ना रहे। गोभी में से पानी अच्छे से सूख गया है। मैंने इसमें 2-3 हरी मिर्च भी बीच में से कट करते हुए काट दी है। और अब इसे इसमें भी हम बेसन लगाएंगे और इसकी भी पकौड़ी बनाएंगे। अब हम जो ये गोभी है इसको इस तरीके से इस घोल में अच्छे से लपेट लेंगे। और तेल मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और अब हम इसको इस कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरीके से हम बाकी की जो ये गोभी है इसमें भी ये घोल लगाएंगे और इसको भी तेल में डालते रहेंगे। बहुत ज़्यादा गोभी आप एक बार में ना डालें, जितनी अच्छे से पक सकें या पलटी जा सकें आराम से उतनी ही डालें। ये आपस में चिपकनी नहीं चाहिए, फिर हमें बाद में इसको अलग अलग करना पड़ता है। पकौड़े बनाते वक्त गैस की फ्लेम हमेशा मीडियम ही रखें। गैस की फ्लेम तेज नहीं रहनी चाहिए वरना ये बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। मैं यहाँ पे जो गोभी के पकौड़े बना रही हूँ उसको मैं 2 बार फ्राई करूँगी। गोभी को एक बार मैं मीडियम फ्लेम पे फ्राई करूँगी और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के बाद इनको निकाल लूँगी। इससे क्या होगा कि गोभी अंदर से अच्छे से पक जाएगी। इसी तरीके से मैं दूसरी बार की जो बाकी की बची हुई गोभी और जो ये हरी मिर्च है इनको भी अच्छे से तेल में डाल लेंगे और इनको पकौड़े बनाकर निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे हम। यहाँ पे भी हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। हमने सारे पकौड़े फ्राई करके निकाल लिए हैं और अब हम गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे और तेल को एकदम तेज गरम कर देंगे। उसके बाद हम जो सारे पकौड़े हमने फ्राई करे थे दोबारा गैस में डालेंगे और इनको हाई फ्लेम में बिल्कुल करारा होने तक
फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि पहले तो पकौड़े अंदर से पक गए थे, हमने उन्हें मीडियम फ्लेम पे पकाया था तो अंदर से पक गए थे, और अब ये बाहर से एकदम करारे हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे जब हमने इन्हें फ्राई किया था उस वक्त क्या होता है कि अंदर से तो वो पक जाते हैं पर बाहर से उतने करारे नहीं होते हैं, और जब इस तरीके से हम इन्हें हाई फ्लेम पे पकाते हैं तो तब ये बाहर से भी एकदम करारे हो जाते हैं और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। हाई फ्लेम पे हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक से एक मिनट या दो मिनट के लिए ही पकाना है, बस इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे गोभी के पकौड़े बनकर एकदम तैयार हैं और अब हम इन्हें सर्व कर लेंगे। गोभी के पकौड़ों को आप सॉस या हरे धनिये की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।